हाँ जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज मैं आपको ये सिंपल से रोज बनाना सिखा रही हूँ। इट्स वेरी इजी। ये देखो, पहले मेरे पास 8 नंबर का ब्रश है। ये इस तरह से देखो करना है इसको। ये थोड़ा सा मतलब घस चुका है ब्रश, थोड़ा घस चुका हो ना ब्रश, उसी से होगा। ये न्योन शेड है और बिल्कुल ही मैंने न्योन शेड को वाइट कलर डाल के ना बिल्कुल ही लाइट बना लिया है। बस एक इधर ब्रश करना है किधर, लेकिन उसकी लुक जो है ना वो रोज की तरह आनी चाहिए। अब ये कोई कोई बीच में वाइट कर दो और बीच में ही डार्क। ओके, दोबारा देखो, पहले तो मैंने पिंक कलर किया। ये देखो, किस तरह से, ठीक है। पिंक कलर लिया, ये बहुत ही मोटा कपड़ा है। मोटा जैसे ना है तो कॉटन का, पर जैसे ऐसे ना दो कपड़ों को हाथ में लो ना, उतना थिक है ये। अब मैं कहीं कहीं ऐसे ना व्हाइट का टच कर दिया, कभी डार्क का टच कर दिया। इस तरह से ना कहीं कहीं डार्क कर दूंगी मैं, कहीं लाइट। वैसे बुजुर्ग का है ना थोड़ा डर लगता है कि कलर ना डार्क ना हो जाए, क्योंकि कपड़ा जो सूट है वो भी कितना लाइट कलर है, और लाइट के ऊपर तो डार्क ही अच्छा लगता है। पर अब कंडीशन है ना कि करना नहीं है डार्क कलर, पर न्योन शेड है ना लाइट भी ऐसे मतलब बड़कीला सा हो जाता है। पर मुझे लगा कि भी ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ना न्योन शेड ही प्रेफर किया कि थोड़ा अच्छा लगेगा डिजाइन, इसलिए। अब एक यहाँ पे बना देते हैं पत्तियां। तो जो मैंने कल परसों वीडियो डाली है ना, उसके अंदर मैंने पत्तियां बनानी सिखा दी है। बिल्कुल आसान है पत्तियां बनानी। मैं उस वीडियो का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेरे 2 चैनल बनाए हुए हैं मैंने, एक एसके क्रिएशन और एक सुखविंदर कौर। कभी उसमें वीडियो डालती हूँ, कभी उसमें। ये देखो, अब ये एक आधा रह गया और 2 बाजू पर बनाने हैं छोटे छोटे।
ये देखो आप देख रहे हो ना, अभी कोई इसमें मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंपली ब्रश घुमाने हैं। अब ये बिल्कुल छोटा सा बनेगा क्योंकि ये लास्ट में है ना, थोड़ा सा छोटा इसको शो करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइटपन रह गया। अब लास्ट एंड फाइनल ब्राउन कलर लेके ना इसके सेंटर में करेंगे ब्राउन कलर। मैं ब्राउन कलर एक मिनट बना लेती हूँ रेड कलर से। जैसे इसका ये सेंटर है, ये थोड़ा सा ना ब्लैक ब्लैकिश लग रहा है, थोड़ा सा रेड और डालेंगे। यहाँ पे सेंटर में करना है ऐसे, और साइडों में तो एक बारीक ब्रश से करना है लाइन। ये इसके सेंटर में ना ऐसे थोड़ा सा सभी में करना है, फिर बारीक ब्रश से करना है काम। बारीक ब्रश लूंगी मैं। इस तरह से इस तरह ना कहीं कहीं लाइन लगानी है। ये देखो दूर से ऐसे मैंने घेरे पर डिजाइन बनाया है। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने लाइट भी नहीं जलाई है, अंधेरा अंधेरा सा हो गया ना रूम में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।